हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स बारह को यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स 220 फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो आपको एक बोले कि टेबल से आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो वही टेबल आपको ये टेबल होगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू टेबल बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई होगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन होगा। तो फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स में एक्स होगा। तो इसका ये डोमेन बोलेंगे जो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या माइनस वन से वन के बीच में। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वैल्यू अधिक से अधिक वन हो सकता है और कम से कम क्या हो सकता है, माइनस में वन हो सकता है, ठीक। और यहाँ पे भी वाई का मतलब क्या होता है, ये बिग ब्रैकेट का मतलब होता है बराबर भी लग जाएगा, ठीक है। अगर बिग ब्रैकेट नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा, इसका मतलब सिर्फ ये लेस देन लगेगा। और यहीं अगर ब्रैकेट ले दीजिएगा बड़ा वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय टू और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में पाई बाय टू और लेस देन इक्वल टू। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ये टेबल आपको याद रखना होता है, ठीक है। और इसी टाइप से टेबल आएगा, जैसा कि इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन होगा। जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर भी आपको बताना है, बता देता है कि आर जो होता है रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। जैसा कि आप एक नंबर लाइन पर देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो है, तो इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इस साइड आएगा माइनस में इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं रियल नंबर को, ठीक है। जितने भी नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, वो होता है रियल नंबर। इसके बाद है बाकी रियल नंबर, यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस पावर टू से पावर टू, ठीक है। इन सबको रेंज आपको याद रखना होगा। आपको अगर फंक्शन यहाँ पे जो एक्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका मान जो होगा ना, कभी भी इसका मान माइनस पावर टू से पावर टू के बीच में ही होगा, ठीक है। इसके साथ जैसे कि आप एग्जाम्पल में आपको दो चार को एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टेबल को आप स्क्रीन शॉट कर लें और इन्हें याद रखें, ठीक है, क्योंकि आपको बारी बारी से सबका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि एक्स का मान, इसका मान जो भी निकालिएगा वो क्या आएगा, ये माइनस पावर टू से पावर टू के बीच में आएगा, ठीक है। और ये काम तभी आएगा जब इसके जगह पे मान लीजिए कोई सवाल ऐसा रहेगा, कॉस इनवर्स में कॉसेक, इनवर्स में कॉसेक, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है थ्री पाई बाई टू लिखा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे तोड़िएगा, ठीक है, थ्री पाई बाई टू को छोड़ दीजिए, यहाँ पे फोर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा रहेगा। तब आप इसको क्या करिएगा, तोड़िएगा, ठीक है। ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जीरो से पाई के बीच में है कि नहीं, कॉसेक माइनस पावर टू से पावर टू के बीच में चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस पावर टू से पावर टू के बीच में नहीं है, पावर टू से पार हो चुका है, ठीक। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको खींच के छोटा करना होगा। तो छोटा करके यानी कि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज, पाई माइनस में पाई बाई थ्री मतलब फोर, ऐसा लिखेंगे। इसको हटा के सीधा माइनस में नहीं देंगे, ये आप पाई बाई फोर ही देंगे, ठीक, ऐसा लिख देते हैं। तब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पाई बाई फोर जो है ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से संतुष्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको स्क्रीनशॉट कर ले, ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल।